हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी की एक बहुत सुंदर क्वालिटी का वर्णन आ रहा है। प्रभुपाद जी भी अच्छे से गुस्सा किया करते थे। तो मैं जब यहाँ पे पढ़ रहा था तो मैं अटक गया यहाँ पर कि इतने बड़े स्वामी प्रभुपाद, इतने बड़े संत महात्मा जिनको नित्य सिद्ध वैष्णव बोला जाता है, पूरे विश्व में जिन्होंने इतना रेवोल्यूशन ले आए, और वो भी गुस्सा कर रहे हैं। और कई बार ऐसे लग रहा है कि बड़ी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, जबकि भगवद गीता में तो भगवान बताते हैं कि जो गुस्सा है, क्रोध है, ये तो आसुरी प्रवृत्ति है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। फिर एक जगह और बोला है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम काम क्रोध तथा लोभ। ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तो नरक के द्वार है। और ये जो शब्द है एंगर ना, दिस इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। खतरे से बस थोड़ी सी दूरी पे है अगर आप क्रोध करते हैं तो। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध के कारण एक व्यक्ति इस भौतिक संसार के जाल में फंसा रहता है। बार बार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विभ्रम हो जाती है, वो माया में आ जाता है, इल्यूजन हो जाता है उसको। तो हर जगह तो शास्त्रों में ऐसे ही वर्णन है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है वो। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े महान वैष्णव आचार्य भी कई बार क्रोधित होते हैं, वो गुस्सा करते हैं। तो क्या भेद है हमारे गुस्से में और ऐसे आचार्यों के गुस्से में? तो आज थोड़ा सा उस पर विश्लेषण करते हैं और फिर थोड़ा हम जानेंगे कि प्रभुपाद जी का गुस्सा कैसा था। कुछ कुछ ऐसे पास टाइम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के गुस्से के। एक भक्त थे जिनका नाम था समर्थ रामदास, वो भी रामायण पे टीका लिखा करते थे, उनके गुरु से उन्होंने सुना था। मगर ये त्रेता युग में रामचंद्र जी के समय में ही थे। तो ये चर्चा कर रहे हैं कि अब जो कवि होता है वो क्या करता है, अलग अलग जगहों की वो विस्तृत वर्णन करता है। तभी जो लंका है वहाँ जो अशोक वाटिका है उसके फूलों के बगीचों की चर्चा कर रहे हैं समर्थ रामदास। अब बता रहे हैं कि वहाँ के फूल कौन से रंग के हैं। तो लिखते हैं कि वहाँ पर जो फूल है अशोक वाटिका में वो सफ़ेद रंग के हैं। तो हनुमान जी जैसे ही पढ़ते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, ना फूल सफ़ेद रंग के नहीं है, ना फूल तो लाल रंग के हैं। बोले नहीं, लाल रंग के नहीं, मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे। तो हनुमान जी बोले मैं भी तो गया था, तो वहाँ लाल रंग के फूल हैं। अच्छा नहीं, फिर तो किसी और से कन्फर्म करा लेते हैं। कौन थे वहाँ पे? सीता महारानी थी, उनसे जाके पूछा। सीता महारानी बोलते हैं ना सफ़ेद रंग के थे फूल, ना लाल रंग के थे, फूल तो नीले रंग के थे। ये तो तीसरा एंगल खुल गया। अच्छा कौन से रंग के थे? अरे श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं, उनको पता होगा ना, वो तो सत्यवादी हैं ना, उनसे पूछते हैं। तो रामचंद्र से पूछते, बोले हाँ फूल तो सफ़ेद रंग के थे। फिर ये सब अल्लू अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? तो फिर रामचंद्र जी बताते हैं कि देखो ये जो समर्थ रामदास है इसने अपने गुरु से एज इट इज सुना है। तो गुरु जी ने इसको बताया फूल कौन से रंग के हैं, सफ़ेद रंग के। और क्योंकि गुरु पे शरणागत है तो जो गुरु बता रहे हैं वो सब इसके हृदय में छप रहा है। तो इसने एज इट इज बता दिया फूल कौन से रंग के हैं, सफ़ेद रंग के। अभी जो हनुमान गए थे जब लंका में, तो क्रोध से भरे हुए थे। क्रोध का रंग कौन सा होता है? लाल, आंखें लाल, लागाल लाल, सब कुछ लाल। तो लाल 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 लाल, तो चश्मा लाल, तो जहाँ से देख रहे थे, जिसको देख रहे थे वो भी लाल लाल, तो फूल भी कौन से रंग के? लाल। तो लाल ही दिख रहे थे। अच्छा ये सीता महारानी ने ये नीले रंग के फूल क्यों बोले? बोले उनकी आंखों में तो अश्रु थे, आंखों में पानी था। पानी का रंग कौन सा होता है? बोले नीले रंग का। और बहुत ही गहरे भाव से वो क्रंदन करती थी श्री रामचंद्र जी के लिए। तो जब समुद्र का पानी बहुत गहरा होता है तो नीला प्रतीत होता है। तैसी अब वो जो सीता महारानी फूल का रंग बता रही है वो क्या है ना? वो नीला है। मगर मैं हूँ ठाकुर ना, मैं हूँ रामचंद्र, तो मैं तो सब दुनिया के बारे में जानता हूँ, सबको एज इट इज बता सकता हूँ बिना किसी भेदभाव के। तो हाँ फूल तो सफ़ेद रंग के थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हृदय के अंदर होता है वो बाहर निकलता है। हम लोग वी गेट कंज्यूम्ड बाय एंगर, जब गुस्सा आता है तो पूरा लाल लाल हो जाते हैं हम लोग ऊपर से नीचे तक।
और फिर उस गुस्से को भूल नहीं जाते हैं। मगर जब महान वैष्णव आचार्य क्रोध करते हैं तो उस क्रोध का कुछ पर्पस होता है। सो एंगर इज ऑल्सो टूल, जैसे चाकू है तो चाकू सर्जन के हाथ में आ जाएगा तो उससे सर्जरी करेगा, किसी का भला करेगा, मगर वही चाकू एक मर्डर के हाथ में आ जाएगा तो घोपता रहेगा वो। तो चाकू एक ही है, उपयोग अलग अलग है। तो ऐसे ही जो गुस्सा है, क्रोध है, इसका भी उपयोग है। तो आगे हम जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ, कैसे, किस स्थिति में करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें समझ आ रहा है कि हाँ, जो अंदर होता है वो बाहर निकलता है। कभी संतरे को दबाया आपने ना? संतरे को दबाइए जोर से तो कौन सा जूस निकलेगा? पाइनएप्पल, गुआवा, ग्रेप का जूस, कौन सा जूस? ऑरेंज का जूस। क्योंकि जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। ऐसे ही अगर हमारा हृदय क्रोध से भरा होता है तो कभी कुछ परिस्थिति बन जाती है तो वही बाहर निकलती है। मगर जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। क्रोध अंदर है, बाहर निकलेगा। ईर्ष्या अंदर है, वही बाहर निकलेगी। तो ये जो वाइस है एंगर की, क्रोध की, तो क्या होता है, एक बस मोमेंट ऑफ फिट ऑफ रेज आता है उसमें, ऐसे अंदर से एक तपिश आती है कि अब वो गुस्सा मुझे निकाल देना है। और वो फिर वो संबंधों को भी ख़त्म कर देती है ना, बड़े जीवन भर के जो संबंध हैं क्षण भर में वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर ये गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जाए तो फिर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं अनकंट्रोल्ड एंगर के कारण। शास्त्र गवाह है ना, दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया अम्बरीश महाराज के ऊपर, तो देखिए कितना भयंकर उसका परिणाम हुआ। पूरे ब्रह्मांड में दौड़ना पड़ा दुर्वासा मुनि को, कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा था, कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था, फाइनली जाके अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरना पड़ा। इतना कुछ घटित हो गया उनके जीवन में किसके कारण? क्रोध के कारण। तो विश्वामित्र मुनि, उनका उदाहरण आता है। विश्वामित्र मुनि तो पहले तो बहुत तपस्या कर रहे थे, तो फिर एक अप्सरा को भेजा गया, मेनका उसका नाम था। तो समाओ मेनका के चंगुल में फंस गए वो, तो काम से प्रभावित हो गए। और फिर उन्होंने फिर तपस्या करी, बोले नहीं मुझे वापस आना, आई हैव टू कम बैक, कि हाँ मैं लड़ूंगा अपने ये जो काम के शत्रु से, इससे मैं लड़ूंगा, इसको मैं चैलेंज करूंगा। तो फिर पुनः लग गए तपस्या में। और फिर दोबारा से एक और अप्सरा आई, उसका नाम था रंभा। अब रंभा के काम से तो मोहित नहीं हुए, मगर रंभा पे ही क्रोधित हो गए वो। तो पहले काम के वशीभूत हो गए, अब क्रोध के वशीभूत हो गए, बोले हाय 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 ना, मैं तो इससे तो बच गया मगर अपने अंदर की अनर्थों से बच नहीं पाया। तो फिर पुनः फिर से ना अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हैं, बोले अब मैं फिर से लड़ूंगा, मुझे गिर जाऊंगा बेशक, मगर गिर के दोबारा से उठ जाऊंगा। अब सोचिए यही विश्वामित्र मुनि आगे चल के तपस्या करके श्री रामचंद्र जी के गुरु बन गए, मगर समाओ बीच में वो भी काम के क्रोध के वशीभूत हो गए थे। तो ये जो अवगुण है क्रोध का, इसको जीत पाना बहुत कठिन है, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो दो कार्य कर सकते हैं आप, या तो उसको एक्सप्रेस कर दीजिए या सप्रेस कर दीजिए। अगर हम इफ वी एक्सप्रेस आवर एंगर देन वी सफर, इफ वी सप्रेस आवर एंगर ना दम सॉरी उल्टा इफ वी एक्सप्रेस आवर एंगर देन समबडी एल्स सफर्स एंड इफ वी सप्रेस आवर एंगर देन वी सफर। आपने गुस्से को व्यक्त कर दिया तो सामने वाला बेचारा दुखी होगा, और आप अपने उसको गुस्से को सप्रेस करते जा रहे हैं तो आप ही परेशान होंगे। आपने एक्सप्रेस किया तो मोमेंटरी तो रिलीफ मिल गया आपको, मगर थोड़े समय बाद लगता है यार मैंने क्यों बोला था ऐसा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। बोलते हैं ना कि जब गुस्सा आए तो क्या करिए ना, उस समय बस शांत हो जाइए, अपना मुंह बंद रखिए ना, मुंह सील दीजिए वहाँ पे। क्योंकि अगर गुस्से के समय आपने कुछ बोला सो दैट विल बी द बेस्ट स्पीच ऑफ योर लाइफ, ऐसी खतरनाक स्पीच जो उसको पूरे जीवन भर आप कोसते रहेंगे, मैंने ऐसा बोला क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, काश मैं चुप रह जाता उस समय। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारे संस्कार में हो जाता है। तो एक बार गुस्सा करना शुरू करा तो नसों नसों में वो गुस्सा बहने लग जाता है, एंड दैट इट बिकम्स आवर हैबिट, एंड देन वी बिकम स्लेव ऑफ एंगर, उस क्रोध के हम दास बन जाते हैं। मैंने क्रोध किया था,
मुझे लगता था क्रोध मेरे कंट्रोल में है, मगर फाइनली मैं ही उस क्रोध का दास बन गया। तो बुद्ध ना, उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट पनिश्ड फॉर एंगर, वी आर पनिश्ड बाय एंगर। कि गुस्सा करने पे हम हमें पीड़ा नहीं होती, मगर गुस्सा करते करते ही हम पीड़ित हो जाते हैं। सोचिए आपके हाथ में कोयला है और आपको लग रहा है कि कोयले से ना जला दूंगा सामने वाले को, उसको फेंक के मारूंगा, उसको जल जाएगा। अरे भैया, जब तक भरोगे तब तक आप जल जाओगे, आपकी समाधि बन जाएगी वहां पर। तो ऐसे ये गुस्सा कैसे भभक रहा होता है वो गुस्सा अंदर, कि जो वार करना चाहता है उसी पे ही वो अपना वार कर देता है। और दूसरा है सप्रेशन। हम अपने गुस्से को सप्रेस करेंगे, अंदर ही अंदर रखेंगे, तो फिर एक दिन वो ऐसा फटेगा ज्वालामुखी की तरह वो फटेगा। तो फिर क्या करें, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक जगह मैं सुन रहा था ना, वो बोले कि व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड सबलाइम दिस एंगर, इस गुस्से को हवा में उड़ाना पड़ेगा। वो कैसे होता है हवा में उड़ाना, कि इसको निकालना भी नहीं है, अंदर भी नहीं रखना है। तो फिर श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है हाउ टू प्रोपेगेट दिस एंगर बाय सबलिमेशन। तो श्रीमद् भागवतम बताती है कि जब आपके हृदय में दूसरों के प्रति दया की भावना और क्षमा की भावना आती है, तभी गुस्से पे काबू किया जा सकता है। सेइंग आपने सुनी होगी, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना हर व्यक्ति करता है, कोई नहीं करता है, मगर गलती करने वाले को क्षमा कर देना ये दिव्यता है। ये जो करता है वो भगवान का बड़ा प्रिय बन जाता है। भगवद गीता के दो श्लोक है ना, बड़े प्रमुख श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त्या प्रणश्यति। इससे पहले वाला श्लोक क्या है, कौन बताएगा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वेतुरिसा। तो यह देखिए, ध्यान से समझिए इस श्लोक को ना। कई बार भगवान बोलते हैं कि भगवद गीता बड़ी प्राइमरी स्टडी है, मगर उसमें बड़ी गूढ़ बातें लिखते हैं। अपि चेत सुदुर आचरो, ऐसा भक्त या ऐसा व्यक्ति जिसने बड़ा ही दुराचार क्यों ना कर दिया हो, उसको क्या मानो, साधु मानो। अभी साधु मानना बड़ा मुश्किल है, आसान थोड़ी है। किसने गलती करी आपके साथ, कुछ गलत कर दिया और उसको साधु मानना है, कि वो हम उसको साधु मानते थे, उस साधु ने हमसे गलत किया फिर भी उसको साधु मानना है, तो ये तो भगवान बोल रहे हैं मुश्किल है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो ये ऐसा कर देगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जाय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जाय। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि जो ये ऐसा करता है कि उस व्यक्ति की गलती होने के बावजूद उसको साधु मानता है, वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत जल्दी साधु बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो आसान नहीं है क्षमा करना, इसलिए दिव्य क्वालिटी है क्षमा, दमा, तपा, शोचम। तो ये सब महान भक्तों के गुण हैं जो शास्त्र में वर्णन आते हैं। देखिए, जब हिरण आया था ना श्री रामचंद्र जी को लुभाने, सीता मैया को लुभाने के लिए, सीता मैया ने भेजा रामचंद्र जी को, जाओ। तो जोर जोर से आवाज आ रही थी, सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता मैया बोल रही लक्ष्मण को, जाओ तुम जाओ, बचा के आओ, श्री राम को बचा के आओ। तो लक्ष्मण बोल रहा है कि नहीं, कोई मायावी आवाज है, नहीं ये रामचंद्र की आवाज नहीं है, मैं आपकी सुरक्षा को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। तो फिर हम जब जानते हैं सीता मैया ने कितना ही कटु वचन सुनाए लक्ष्मण को, कितना ही बड़ा बोला, इतना बोल दिया कि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो काम से मोहित हो चुकी हैं, तुम मुझे भोगना चाहते हो यहाँ अकेले जंगल में। मगर लक्ष्मण ने सब सुना और वापिस जाके, जब मान लीजिए जब पूरा रामायण की कथा समाप्त हुई, रावण का दहन हुआ, जब सीता महारानी वापिस पहुंची लक्ष्मण के पास, तो लक्ष्मण में एक बार भी नहीं बोला ऐसा कि हाँ मुझे वो सब वचन याद है, मेरे दिल पे लगे हैं वो सब वचन। ही हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग, सब कुछ वो भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि
क्रोध में जो बोले हुए वचन है उन पे उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए. वो शुड नॉट टेक वर्ड्स स्पोकन वाइल इन एंगर. तब हम बात कर रहे थे कि हाँ मुझे क्रोध नहीं करना, मगर मेरे साथ कोई क्रोध करता है उसको कैसे डील करना है, कि हाँ वो जो वचन आ रहे हैं हमें जानना चाहिए कि वो केवल गुस्से के मोमेंटरी समय पे ही हैं, दे डू नॉट कैरी एनी सीरियसनेस. सो वी शुड नॉट जज द इंटेंशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन वाइल इन टेंशन. कि हाँ गुस्से में टेंशन में वो शब्द बोल दिए बट वो इंटेंशन कई बार वैसी होती नहीं है. एनीवे तो फिर शास्त्र में वर्णन आता अहिल्या का. अहिल्या समहाउ वो इंद्र के साथ कुकृत्यों में लग गई और गौतम ऋषि वहां पे पहुंच गए तो गौतम ऋषि ने शाप दे दिया कि अब आप पत्थर बन जाओगे, तुम पत्थर बन जाओगे. और फिर अहिल्या ने बहुत तपस्या करी, बहुत पश्चाताप किया और फिर गौतम ऋषि उससे पिघल गए. तो यहां पे बताया गया कि जो साधु का लक्षण क्या है, शनि रुष्टा शनि तुष्टा, कि वो ऐसे लोग जो पाप कार्य करते हैं जो भगवान से विरुद्ध हैं उनसे रुष्ट भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और ऐसे लोग जो भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ तपस्या करते हैं उनसे तुष्ट भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं. तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे साधु लोग ना क्रोध कर सकते हैं क्या, अरे आप तो साधु हो ब्राह्मण हो ना, आपको शोभा नहीं देता क्रोध करना गुस्सा करना. तो एक्चुअली में शास्त्र बोलते हैं साधुओं को ही क्रोध करना चाहिए, किसी और व्यक्ति के पास कोई ये योग्यता नहीं है कि वो क्रोध करे. और जो ऐसा बोल रहा है कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए ना, उसकी जवान तो वैसे ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो साधु बनेगा नहीं वो साधुओं के बारे में कुछ बोल नहीं सकता. कि पहले आप साधु बनो फिर साधु के बारे में आप आर्गुमेंट करो. तो ये जो योग्यता है वो तो साधुओं के पास ही है किसी के ऊपर क्रोध करना. वज्रपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम. जैसे भगवान है ना, कि जब कठोर होते हैं जब उनको गुस्सा आता है तो फिर वो वज्र के समान होता है, इट इज जस्ट लाइक थंडर बोल्ट. और फिर जब प्रेम अपना दिखाते हैं तो कैसे होते हैं, कुसुमादपि कोमलम, है ना, कि जैसे कोई फूल की पत्ती हो कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी कोमल होती है. तो ऐसे भगवान का हृदय है. तो भगवान के भक्त भी वैसे ही, कि जब वो कठोरता दिखाते हैं तो बहुत कठोर होते हैं ऐसे लोगों पे जो भगवान से विरुद्ध हैं, भगवान से द्वेषी हैं. मगर जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति जो भक्त हैं बहुत प्रेम से वो डील करते हैं. तो इसलिए आसान नहीं है साधु बनना. तो साधु बनना जैसे चढ़े पेड़ खजूर, गए तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर, आसान नहीं है साधु बनना. क्यों? क्योंकि साधु को अपना जीवन तो कृष्ण की सेवा में लगाना है, बल्कि साथ साथ दूसरों का जीवन भी लगाना है. जन्म सार्थक करी करो परोपकार, तो दोनों को साथ लेके चलना है उसको. तो साधु के पास तो ये उसका मापदंड उसको लेना पड़ेगा क्रोध का साथ. तो एरिस्टोटल वो बताते हैं देर इज अ टाइप ऑफ एंगर विच इज कॉल्ड राइटियस एंगर. एक ऐसा गुस्सा भी होता है विच इज वेरी राइटियस. When it is my duty to become angry, that anger is called righteous anger. कि जब मेरा धर्म बन जाता है क्या करना, गुस्सा करना. अब देखिए गुस्सा आया कहाँ से, गुस्सा आया कहाँ से कोई बताएगा? From where has the anger come from? सर्व कारण कारणम. सबके कारण तो एक ही है. तो गुस्सा भी भगवान से आया है. जब भगवान गीता में बोलते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति अर्जुन डिक्लेयर टू द होल वर्ल्ड दैट माई डिवोटी नेवर पेरिशेस. तो बहुत गुस्से में बोला भगवान ने कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता. तो गुस्सा आता है भगवान को भी. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, कि जब धर्म की स्थापना करनी हो और अधर्म का नाश करना हो तो फिर भगवान गुस्से में आ जाते हैं, वो क्रोध में आ जाते हैं. क्योंकि अधर्मियों का नाश करना है तो वो फूल मालाएं पहना के नहीं होगा, बल्कि उनकी आत्मिया निकाल के उसकी फूल मालाएं पहन लेते हैं भगवान नरसिंहदेव. जब उनको गुस्सा आता है तो माला तो मैं पहनूंगा ना, मगर कौन सी माला पहनूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा ना, कैसे इसका संहार करूंगा मैं डिसाइड करूंगा. तो ओपन हार्ट सर्जरी करके वहां पे पूरा चीट फाड़ करके वहां से निकाल लिए हिरण्यकश्यप की आंतड़ियां, पहन ली उसको. प्यास लगी थी, बोले प्रहलाद तुमने तो कुछ पिलाया नहीं मुझे ना, बुला तो लिया यहाँ पे इतो नरसिंह परतो नरसिंह, आओ मेरे घर नरसिंह आओ ना, मगर कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही.
बोले मुझे बहुत प्यास लगी तो मैंने क्या किया, उसका खून पी लिया। तो अतिथि के रूप में आया, कुछ तो खान पान होगा हमारा, तो फिर भगवान से ही आया है क्रोध। तो मगर इसका उपयोग कैसे होना चाहिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की निंदा करता है, उनसे द्वेष करता है, तो ऐसे व्यक्ति पे क्रोध करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, काम कृष्ण कर्म अर्पणे। अगर किसी के अंदर बहुत काम है ना, बहुत लस्टी डिजायर्स आती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए भक्ति में, बहुत सुबह से लेकर रात तक लगे रहना चाहिए भक्ति में, तो ताकि काम को जगह ही ना मिले, काम के विचारों को जगह ना मिले कि मेरे को कहाँ जाऊँ, मैं कोई जगह ही नहीं है मेरे लिए, कोई टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो काम कृष्ण कर्म अर्पणे और क्रोध कृष्ण भक्त द्वेषी गणे। तो क्रोध इज इनएविटेबल ना, कंट्रोलिंग एंगर इज इनएविटेबल, गुस्सा आएगा ही, मगर किस पे निकालना है, ऐसे लोग जो कृष्ण से और भक्तों से द्वेष करते हैं। लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभी भी बनना चाहिए, मगर किसका लोभी, ना साधु संग का, भक्तों के संग का, कि कब आएगा वो संडे, कब आएगा ना, जैसे मंडे आता है तो भक्तों का चेहरा बड़ा उतर जाता है, बोले फिर वही यार ना, फिर ऑफिस के चेहरे देखने पड़ेंगे, बॉस के चेहरे देखने पड़ेंगे, मगर जैसे फ्राइडे आता है, ये पार्टी ना, नाउ विल गो टू मीट डिवोटीज, अब भक्तों के साथ मिलने का समय आया है, अब शनिवार इतवार आया है, अब वो भक्तों के सुंदर सुंदर सुनहरे चेहरे मुझे दिखने को मिलेंगे, उनका संग मैं करूँगा, अब मुझे हरी कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा, अब मैं हरी नाम में डूब जाऊँगा, मैं खूब नाचूंगा, खूब कीर्तन करूँगा। तो लोभ संगे हरी कथा, भक्त संगे मोह इष्ट लभ बने, है ना। तो जब भगवान को देखें तो ऐसे मोहित हो जाए उनकी उनकी ओर ना, उनके सुंदर कांति को देखते हुए, उनके सुंदर रूप को देखते हुए, कि क्या रूप है, क्या क्या इनके ढंग है, क्या इनके मिजाज है ना? तो उनकी ओर आकर्षित हो जाए, उनकी ओर मोहित हो जाए। मद कृष्ण गुण गाने, और ऐसे पागल हो जाए हम कृष्ण का गुणगान करने में। तो नियुक्त करीबे यथार्थ था, तो इस प्रकार हमारी जो वाइसिस है, हमारे जो अनर्थ हैं, वो भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जैसे हनुमान जी पहुंचे थे ना, तो गुस्सा उनके अंदर भी था, मगर गुस्सा कहाँ निकाल दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया ना। वो जो लंका है जहाँ पे सारे असंस्कारी लोग रहते हैं ना, अनसिविलाइज लोग रहते हैं, उस पूरी लंका को जला दिया उन्होंने। तो इस प्रकार दोज डिवोटीज हु आर मैच्योर, दे एंगेज इवन देयर वाइसिस ऑल्सो इन डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए हम अपने गुस्से को रोक तो नहीं पाएंगे, मगर उसको एंगेज जरूर कर पाएंगे, इस प्रकार जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। तो फिर क्या हर व्यक्ति ना, या ऐसा व्यक्ति जो क्रोध कर रहा है, क्या वो साधु नहीं बन सकता? तो एक कथा मैंने सुनी थी, नारद जी का एक सर्प शिष्य था, कहीं भी चले जाते हैं ना वो 14 भुवने, तो किसी को भी शिष्य बनाते रहते हैं। तो सांप एक उनका शिष्य बना, अब देखा कि थोड़े दिनों बाद जो सांप आया तो शरीर पे बड़ी चोटें हैं उसकी। तो नारद मुनि बोलते, बेटा क्या हो गया, कहाँ से मार खा के आया? बोले आपने बोला था विनम्र बनो ना, मैं तो था सांप, मगर आपने मेरे को यहाँ गाय बना दिया। तो बच्चे आते थे, वो मार लेते, मैं कुछ नहीं करता था उनका ना, मैं कुछ नहीं बोलता था उनको, मारते गए इतने सारे घाव हो गए। तो नारद मुनि बोलते, अरे लल्लू लाल ना, तेरे को मैंने विनम्र होने को बोला था ना, मगर ठीक है, तेरे को डंक मारने को मैंने मना किया था, मगर कम से कम हिस तो कर सकता था ना, तो आवाज़ तो निकाल सकता था। तो ऐसे ही कभी हमारे ऊपर कोई प्रहार करे ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें क्रोध नहीं करना है, हमें अपना बचाव तो करना पड़ेगा, मगर उस दायरे में रहकर, कि वो जो क्रोध है वो हम पे हावी ना हो जाए, हम क्रोध के दास ना बन जाए। तो ये जो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ये जो क्रोध है ना, दिस कैन एक्ट एज अ टूल। तो साधु लोग इस क्रोध का उपयोग करते हैं, जैसे किसी को झकझोड़ना हो ना, हिलाना हो, उसकी चेतना जो सुप्त अवस्था में है, वो जो सो रहा है उसको उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा। वो ऑडियो आपने सुना होगा शिला प्रभुपाद का, जब कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्णा, सिट प्रॉपर्ली, सब तो एकदम सतर्क हो जाते। तो प्रभुपाद का गुस्सा था वो, दैट वॉज ट्रांसेंडेंटल एंगर, कि हाँ
तो किसी को झटका देना है ना झकझोरना है तो उसकी आवश्यकता है। एक बार ऐसी एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास और बोलता है, बोले क्या फ़ायदा है ऐसे भक्ति करने का, कुछ होता तो है नहीं ना, सालों से आप भी लगे हो, सालों से हम भी लगे हुए। तो प्रभुपाद जी ने कॉलर पकड़ लिया उसका, पास गया, बोले एक बार भगवान को सरेंडर करके तो देखो, तब पता लगेगा कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। तो प्रभुपाद जी को ऐसा ट्रांसेंडेंटल दिव्य गुस्सा आता था उससे। सो दिस इज पॉजिटिव एंगर ना, व्हेन यूज्ड इन अ वेरी कैलिब्रेटेड वे ना, बड़ी तोल मोल के जो जो बड़े मैच्योर भक्त हैं वो भी क्रोध का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? शिष्यों को रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए। लालित पंच वर्षानी ताड़ित दश वर्षानी, बताया गया ना, जब बच्चा 5 साल तक का है खूब प्यार दो उसको, मगर जैसे ही 5 साल का हो गया, भैया आप तो डंडा कहाँ है ना, वो बेत कहाँ है, वो लोहे वाली, वो स्टील वाली ना, उसको खूब पढ़ेंगे ताड़ित। तो ताड़ित कैसे करेंगे ना, उसको पुचकार पुचकार के ताड़ित नहीं होगा, उसको डांटना पड़ेगा, उसके ऊपर क्रोध करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके भले के लिए। तो ऐसे ही कई बार जो हमसे ना उच्च वैष्णव होते हैं, सीनियर वैष्णव होते हैं, वो भी हमें डांटते हैं, तो वो डांट क्या है हमारे लिए, वो कृपा है हमारे लिए, वो कृपा है उनकी, उनकी मर्सी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नहीं किया गया है तो ये और भटक जाएगा। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी गुस्से का उपयोग करते थे, मगर बड़ी कैलिब्रेटेड वे में। श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, नए नए जुड़े थे, तो उस समय प्रभुपाद जी को आपने पता होगा कैसे वेस्ट में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंचे थे, छोटे छोटे डॉल के रूप में आए थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे ये डॉल नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्मांड अधिपति जगन्नाथ हैं, आइए अब हम क्या करते हैं, ये आ गए हैं वेस्ट में तो अब इनकी रथ यात्रा निकालेंगे। तो रथ यात्रा के लिए बड़े बड़े विग्रह चाहिए, कौन बनाएगा? तो श्याम सुंदर प्रभु वॉलंटियर करते हैं, मैं बनाऊंगा, मेरे को कारपेंटरी आती है, उनको दे दिया वो काम। तो प्रभुपाद एक दिन देखने आए कि कैसे विग्रह बन रहे हैं, तो वहाँ देखा बाहर बेड़े में ही श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ जी के बड़े विग्रह बना रहे हैं। तो एक हाथ से तो विग्रह बना रहे हैं, दूसरे हाथ से यहाँ सिगरेट फूंक रहे, क्योंकि अभी पुरानी आदत छुट्टी नहीं थी। तो प्रभुपाद ये क्या है ना, ये ना भगवान जिनकी इतनी षोडश उपचार से पूजा होती है, शुद्धता से पूजा होती है ना, इतने सारे सुंदर सुंदर उनके लिए वर्ष गाए जाते हैं, और यहाँ पे सिगरेट पीते पीते इनको, सिगरेट फूंकते हुए इनको बनाए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया, मगर प्रभुपाद जी ने कैसे करेक्ट किया श्याम सुंदर प्रभु को, एक लाइन बोली बस, बोलते श्याम सुंदर, व्हाई आर यू लेटिंग दिस स्मॉल सिगरेट टू कम इन बिटवीन यू एंड कृष्णा। एक छोटी सी सिगरेट है, वो तुम्हारे और भगवान के बीच में संबंध बनाने में आड़े आ रही है। और जैसे ये सुना श्याम सुंदर प्रभु ना, पूरा हृदय पिघल गया वहां पे ना, बिल्कुल प्रभुपाद के शरणागत हो गए, इतना वो विश्लेषण करने लगे कि सच में ये स्वामी प्रभुपाद हमें क्या कुछ देने के लिए, और हम यहाँ कहाँ सिगरेट के धुएं में फंसे हुए हैं, एक दिन उड़ जाएंगे इसी धुएं में हम लोग। तो हृदय परिवर्तित हो गया। तो सोचिए, जो प्रभुपाद गुस्सा करके नहीं कर सकते थे, उस पर चिल्ला के नहीं कर सकते थे, वो प्रभुपाद ने प्रेम से छोटी सी क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट देते हुए वो चेंज ला दिया। एक बार ऐसे नव योगेंद्र स्वामी महाराज, वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस। महाराज काफी समय प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी रहे, तो प्रभुपाद जी ना बेल बजा रहे हैं बार बार, तो बेल बजाते थे तो उनका जो सर्वेंट था वो आता था, सर्वेंट एक्चुअली बाहर का व्यक्ति था, लड़का रखा हुआ था। तो प्रभुपाद बेल बजाई जा रहे हैं, बेल बजाई जा रहे हैं, कोई आई नहीं ना, वो बेल बजाई जा रहा है कोई आई नहीं ना। अब प्रभुपाद जी को चढ़ा गुस्सा, प्रभुपाद जी बोलते हैं नवयोगेंद्र महाराज को, ढूंढ के लाओ उसको। तो नवयोगेंद्र महाराज ढूंढ के लाओ, और फिर प्रभुपाद जी ने ऐसा गुस्सा किया उसके ऊपर, ऐसा गुस्सा किया, मतलब नवयोगेंद्र महाराज बोले मैं तो कहाँ पर आता, ऐसे मेरे थर थर कहाँ पर आता कि अब तो मैं रह नहीं सकता, उस कमरे से मुझे बाहर निकलना है। ऐसा कभी देखा नहीं मेरे प्रभुपाद जी को कि वो व्यक्ति जो इतने सुंदर मधुर वचन बोलता है, शास्त्रों के बारे में बोलता, आज ऐसा क्रोध कर रहा, पूरा मतलब बाढ़ बह गई थी वहाँ पे, तो गुस्से की कंप कपी, पूरा सन्नाटा। और वो जो लड़का था उसका तो कहाँ मुँह छुपाया, वो उसको तो हालत ख़राब, अब तो ऐसे लग रहा था आज के बाद ये कभी आएगा नहीं यहाँ पे। प्रभुपाद जी फिर भी डांटी जा रहे, तुम्हें पता नहीं कृष्ण की संपत्ति तुम्हें मिलती है, कृष्ण का पैसा तुम्हें मिलता है, कृष्ण के मंदिर में तुम सेवा करते हो, कहाँ तुम भाग रहे हो इधर, ओ डांटी जा रहे प्रभुपाद। तब डांट इसको रहे थे, आंसू नवयोगेंद्र महाराज के निकल गए,
बोले कहीं ये गलती से इधर इधर हो गया ना कुछ, यहाँ पे मेरे साथ ऐसे निकल गया तो मेरा क्या होगा। और जैसे उसको डांटना खत्म हुआ, सबसे पहले नव के अंदर बाहर निकल गए, बोले मैं तो अपनी जान बचाऊं। और फिर प्रभुपाद जी फिर घंटी बजा रहे हैं। अब वो घंटी थी नवगेंद्र महाराज के लिए, बोले तो जाना पड़ेगा नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी। तो फिर प्रभुपाद जी के पास जाके देखते, तो अब प्रभुपाद 5 मिनट का डिफरेंस था उसमें, पहले वाले इंसिडेंट में और अब। और नाउ प्रभुपाद वाज सो हैप्पी, अब प्रभुपाद ऐसे खुश थे, उनके जो दांत है ना सोने वाला दांत वो दिख रहा था वहाँ पे। तो नवगेंद्र महाराज तो समझ नहीं है, बोले गुस्सा व्यक्ति को आता है तो एक एक दिन पूरा गुस्से में रहता है, दो दो दिन गुस्से में रहता है, मगर यहाँ तो 5 मिनट में गुस्सा आ गया। तो थोड़े नॉर्मल हुए, जान में जान आई। फिर प्रभुपाद से पूछते हैं कि अब अपने मन की बात शेयर कर देते हैं। बोलते स्वामी जी अभी आपने इतना गुस्सा किया तो मैं तो बहुत डर गया। तो फिर वो बोलते हैं कि एक शिष्य को कैसे समझना चाहिए जब गुरु उनके साथ या एक साधु उनके साथ ऐसा क्रोध करता है। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं एक शिष्य को बहुत खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुस्सा किसके ऊपर करेंगे? जिस पे आपके साथ संबंध है, जिसके साथ आपका संबंध है उसी पे तो गुस्सा करेंगे। फिर प्रभुपाद जी उनको बाहर ले गए, बाहर बालकनी से दिखाया, ऊपर फ्लोर पे थे, नीचे दिखाया। प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो सड़क पे कितने लोग चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, माता के गर्भ से निकलते हैं और फिर नरक में चले जाते हैं, किसी को क्या लेना देना लोगों से। तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर तुमको मैं गुस्सा करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। I care for you, I have love for you। और जैसे ये सुना तो फिर आंखों से ऐसी अश्रुधार, भाई नवगेंद्र महाराज की सीधा प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिया उन्होंने। फिर उन्होंने जाना, अपने रिलेशन में लिखते हैं कि हाँ साधु का गुस्सा ऐसा होता है, केवल और केवल उसी समय के लिए, उसी का उपयोग किया गया उस समय के लिए, उस परिस्थिति को करेक्ट करने के लिए, टू रिफॉर्म समवन। ऐसे नहीं कि गुस्से के आवेश में आ गए, क्योंकि हम जब गुस्सा करते हैं तो फिर कोई सामने आ जाए ना, वो सब लपक लेते हैं उसको, सबको पकड़ लेते हैं। मगर यहाँ साधु का गुस्सा वेरी लिमिटेड, वेरी बैलेंस्ड, वेरी कैलिब्रेटेड एंड ओनली फॉर दैट पर्पस। तो गुस्सा कहाँ करना चाहिए ना? टू द राइट पर्सन, एट द राइट टाइम, विद द राइट वे, विद द राइट वर्ड्स, फॉर द राइट पर्पस। तो ये जब चीज़ें होंगी तो फिर वो गुस्से का उपयोग हम सही से कर पाएंगे। श्रुत कीर्ति प्रभु जी वो अपना रिलेशन बता रहे थे, वो भी प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी रहे काफ़ी समय तक। तो एक देवानंद महाराज हुआ करते थे, फिर आगे चल के वो भटक गए, बहुत समय तक मंदिर छोड़ के चले गए, कहीं और चले गए, फिर वापस आए थे। मगर अब जब वो आए थे तो कपड़े तो उन्होंने वही सैफ्रन से पहने हुए थे, मगर जब प्रभुपाद जी के सामने आए तो पहले उन्होंने प्रणाम नहीं किया उनको, प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं किया, और फिर कुछ कुछ ऐसे इशारे कर रहे थे, वो उल्टे सीधे बस ऐसे हाथ घुमा रहे थे और मुंह से कुछ बोल नहीं रहे। तो सब समझ गए कि भैया नशा करके आए हैं। तो फिर भी उनको लगा कि अब प्रभुपाद जी से मिलने आए हैं तो कुछ यहाँ पे माफ़ी मांगे, कुछ करेंगे, तो बस वो बिना कुछ बोले इशारे करते रहे। अब प्रभुपाद जी को शिष्य तो उनको गुस्सा चढ़ रहा था, बोले शाम बाहर आए इसको बताएंगे हम ये क्या हमारे गुरुजी के सामने क्या क्या इशारे कर रहा है। मगर प्रभुपाद वाज सो काइंड, वो देवानंद महाराज को बोलते हैं कि देखो यू कम बैक नाउ, इफ यू वांट टू रीजॉइन द टेंपल, आप मंदिर को पुनः से ज्वाइन करना चाहते हो तो जाओ ना, अपने बाल कटा के आओ और इनके जैसे इन्होंने जैसे कपड़े पहने हो वैसा पहन के आओ। तो फिर देवानंद महाराज ने एक ही शब्द बोला, नो आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन। और फिर दोबारा वो इशारे करने लगे। अब जब ये प्रभुपाद ने देखा तो ऐसा गुस्सा चढ़ा, प्रभुपाद ने हाथ खींच के उनको बोला गेट आउट फ्रॉम हेयर। अब सब घबरा गए, बोले प्रभुपाद फिर वही मुद्रा में आ गया, तांडव वाली मुद्रा में क्या हुआ? ऐसा प्रभुपाद ने उसको ऐसा झकझोरा कि गेट आउट फ्रॉम हेयर, बाहर निकाल दे। तो इस प्रकार ये प्रभुपाद जी का ट्रांसेंडेंटल गुस्सा था, शिष्य को उसको जीवन को सुधारने के लिए। ब्रह्मानंद महाराज वो अपना रिलेशन बताते हैं, अमेरिकन डिसाइपल है प्रभुपाद जी के। तो एक बार उनको अफ्रीका में भेजा गया प्रचार करने के लिए, तो उनके जो भाई थे गर्ग मुनि प्रभु वो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और प्रभुपाद जी को जाके बोलते हैं कि ये अफ्रीका में जाने भेजने का क्या फायदा है, वहाँ तो सब निगरो लोग हैं, वहाँ तो सब काले लोग हैं, उनका मन भी काला है,
ना, उनको भेजना ही तो भारत में भेजो, वहां पे अच्छे लोग, वहां पे अच्छा प्रचार करेंगे ब्रह्मानंद महाराज। तो फिर प्रभुपाद जी को ये लाइन सुनते ही फिर गुस्सा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बोले डू यू थिंक दैट निग्रोज दे कैनॉट डू भक्ति, ये जो काले लोग हैं ये भक्ति नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद बोलते हैं ये तुम्हारी देहात्म बुद्धि है, दिस इज योर बॉडीली कॉन्शियसनेस, एक्चुअली दे आर नॉट निग्रोस बट यू आर वाइट निग्रो, तुम सफेद निग्रो। और जैसे ये सुना तो ऐसी धरती खिसक गई, मतलब धजियां उड़ा दी उनकी तो एक लाइन में प्रभुपाद जी। और फिर वो गर्ग मुनि प्रभु आके सबको बोल रहे हैं, बोले प्रभुपाद ने मुझे सफेद निग्रो बोला, प्रभुपाद ने मुझे सफेद निग्रो बोला, मतलब सबके सामने ऐसी धजियां उड़ा दी प्रभुपाद जी ने, वन लाइनर। सो दैट वॉज ट्रांसेंडेंटल एंगर ऑफ श्रील प्रभुपाद, कि वो जानते हैं कि उस भक्त को ये डोज दे के वो जल्दी भक्ति में आ जाएगा। मगर कई बार हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम भी इस क्रोध का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना, आप प्रभुपाद की किताबें पढ़िए, हर दूसरी लाइन में मिलेगा रास्कल, हर दूसरी लाइन में मिलेगा मूढ़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, प्रभुपाद जी खूब यूज करते थे। तो एक बार हम पहले एक इस्कॉन की साइंटिफिक विंग से जुड़े हुए थे, तो हम लोग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कराते थे और साइंटिस्ट से मिलते थे। तो साइंटिस्ट लोग क्या होते थे, उनसे मिल तो लिए, उनको हमने इनवाइट कर दिया, वो कार्ड भी ले लेते थे, प्रसाद भी ले लेते थे, गिफ्ट्स भी ले लेते थे, मगर कॉन्फ्रेंस में नहीं आते थे। और जिस दिन कॉन्फ्रेंस हुई तो हम लोग खाली बैठे वहाँ पे, भैया इतना अरेंजमेंट किया, ये लोग आए नहीं, और फिर गालियाँ निकलती थी अंदर ही अंदर। तब तो नए भक्त थे हम लोग, मेहनत बहुत करते थे, बोला कि फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, इतनी मेहनत कर दी, और फिर मुँह से वही शब्द निकलने का मन करता था जो प्रभुपाद जी यूज़ करते थे, बोले रास्कल लोग हैं, एकदम गधे लोग हैं, बेकार लोग, कुत्ते बिल्ली लोग, खूब जो मन में आता था बोलना चाहते थे उनसे। फिर एक दिन हिजोनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वो हमारे बड़े मंदिर आए, एक्चुअली उसके कुछ समय बाद ही महाराज चले गए थे, और तब महाराज की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी मुंबई में या शायद कोलकाता में। तो मैं महाराज से मिला, समा मंदिर जा रहे थे तो वहीं पे महाराज मिल गए, उधर उनको प्रसाद के लिए गोविंदास लेके जा रहे थे। तो फिर महाराज ने मुझे बोला कि आप आ जाओ मेरे साथ, तो फिर महाराज ने इन्विटेशन दिया अपनी कॉन्फ्रेंस का। और फिर मुझे लगा कि ये राइट टाइम है और राइट पर्सन है वो क्वेश्चन पूछने का। मैंने कहा महाराज आप तो साइंटिस्ट को ही प्रीचिंग करते हो, बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स के साथ आप मिलते हो, तो आपके पास भी यही ऑब्जर्वेशन होगी कि ये लोग धोखा देते हैं, बड़े डुप्लीसिट होते हैं, तो प्रभुपाद जी तो इनको बोलते रहते हैं रास्कल, इनके मुंह पे बोलते थे, तो आप भी ये शब्दों का प्रयोग करते? बोले नो, ही वॉज प्रभुपाद, ही कैन डू इट। और बोलते हैं कि प्रभुपाद जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता था, कुछ लोग तो ये कुत्ता बिल्ली सुनने ही आते थे प्रभुपाद जी के पास, और किसी से नहीं मिला उनको ये डोज तो बोलते प्रभुपाद वाई आर नॉट यूजिंग दोज वर्ड्स फॉर मी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। सुबह सुबह प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए ही सुनने आते थे, बोले हम कुत्ते हैं, हम बिल्ली हैं, हम गधे हैं, हम खच्चर हैं, तो यही सुनने आते थे वो, तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता था। बिकॉज प्रभुपाद वॉज सेइंग दीज वर्ड्स नॉट आउट ऑफ एनवी, नॉट आउट ऑफ जेलेसी, नॉट आउट ऑफ एंगर, बट ओनली फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ दैट डिवोटी। मगर हम लोग जब ये शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम लोग भावावेश में आके ये क्रोध से है ना, पूरे क्रोध में भस्म होके हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सो एक्चुअली द बॉटम लाइन इज इट इज द हर्ट, जैसे जो कुछ भावनाएं हृदय में होंगी वो शब्दों में बाहर निकलेंगी। सो इफ समवन हैज एन एंग्री हर्ट, दैट पर्सन विल हैव अ हार्श टंग, जिसका हृदय बड़ा ही ना गुस्सैल वाला होगा ना, एकदम आग बबूले वाला, तो उसके मुंह में हमेशा ज्वालामुखी फटता रहेगा। इफ समवन हैज अ फियरफुल हर्ट, दैट पर्सन विल हैव अ नेगेटिव वर्डिंग्स, तो बहुत डरा होगा तो हमेशा वो पैसिमिस्टिक की बात करेगा, बोले कुछ भी हो सकता है, हम पता नहीं रहे ना रहे, चले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्यों? बड़ी ही पैसिमिज्म है, बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है उसकी। सो इफ समवन हैज एन अनसेटल्ड हर्ट, दैट पर्सन विल बी ओवर स्पीकिंग, ना जिसका हृदय अभी ना अनसेटल्ड है, उसको तुष्टि नहीं मिली, तो चप्पड़ 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 लगा रहेगा। इफ समवन इज हैज इनसिक्योर हर्ट, दैट पर्सन विल कीप ऑन बोस्टिंग एंड ब्रैगिंग, जिसको ना दूसरों से बड़ा ही ना द्वेष ईर्ष्या होती होगी ना, तो अपने बारे में बहुत बोलता रहेगा वो। इफ समवन हैज एन इम्प्योर हर्ट, दैट पर्सन विल स्पीक ऑन
using dirty words. And if someone has a resentful hurt, that person will be critical to others. And if someone has a loving heart, that person will speak gently. जिसके हृदय में प्रेम है तो बड़े विनम्रता से बोलेगा, बड़े प्यार से बोलेगा. If someone has an honest heart, that person will speak truthfully. And if someone has a happy heart, that person will speak encouraging words to others. जिसका मन बड़ा खुश है ना, वो हमेशा दूसरों को प्रेरित करेगा. वो व्यक्ति कितना ही गंदा क्यों ना हो, उसके अच्छे गुणों को देख के उसको मैग्नीफाई करेगा, उसको बढ़ाएगा. यही प्रभुपाद जी ने किया. वो हिप्पी लोग क्या गुण था उनमें, नशा करते थे. जो सिगरेट फूकते ना, उसका धुआं प्रभुपाद जी के मुंह पे धुकते थे वो लोग. मगर प्रभुपाद जी ये भी सहन करते हुए फिर भी उनके अंदर भक्ति की एक चिंगारी देख लेते थे कि ये भी कृष्ण के अंश है. तो उनको प्रभुपाद जी ने सन्यासी तक बना दिया. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का हृदय बड़ा खुश था. ही वॉज वेरी हैप्पी ऑलवेज. तो इफ समवन हैज एन हैप्पी हार्ट, हिज वर्ड्स विल बी वेरी एनकरेजिंग टू अदर्स. वो दूसरों को प्रेरणा देगा. वो जानेगा कि अदर सक्सेस इज माई सक्सेस ना. जब ये लोग सफल होंगे वही मेरी सफलता है. तो पर दुख दुखी और पर सुख सुखी, तो ये एक भक्त का हृदय है. तो ऐसी इन भावनाओं में ही प्रभुपाद जी गुस्सा किया करते थे. तो इसलिए जब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था, सो आई थॉट कि हम इस पर थोड़ा विवेचना करते हैं, ताकि हम हमारे जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, कई बार वो गुस्सा करें तो कैसे उसको हमें पचाना है, कैसे उसको स्वीकार करना है ना, हम वो सीख पाए. नहीं तो होता क्या है, भक्ति में तो लगे रहते हैं, मगर एक दिन ऐसा आता है जब इट इज़ अ ब्लैक डे फॉर अस. सब चारों खानों से हमें बस डांट ही मिल रही है, गुस्सा ही मिल रहा है. ऐसी सेवा करते हैं क्या, यही सीखा तुमने? फिर जिस दिन वो आता है तो फिर भैया उस दिन तो झंडा काट लेते हैं, आज के बाद नहीं आना हमें इस्कॉन मंदिर में ना. यहाँ पे कैसे लोग हैं ना, बड़े ही क्रिटिकल लोग हैं ना, बड़े ही गुस्सैल लोग हैं. और फिर सारे व्हाट्सएप ग्रुप लीव करके भैया हम तो जा रहे हैं, हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं. तो फिर भक्ति का वो जो पौधा उग रहा था वही वो नष्ट हो जाता है, जड़ से ख़त्म होने लग जाता है. तो इसलिए बहुत आवश्यक है भक्तों की दिव्यता को जाना, कि कई बार उनका गुस्सा भी दिव्य होता है. श्री प्रभुपाद की.